ఇక బీహార్లో లాక్ డౌన్ తరహా ఆంక్షలను నితీష్ కుమార్ సర్కార్ ప్రకటించింది. ప్రజల కదలికలు, రవాణా, జనసమూహాలు, వాణిజ్య సంస్థలపై పలు ఆంక్షలు విధించింది. కరోనా కేసులు పెరుగుతుండడం చాలా ఆందోళన కలిగిస్తోందని, వ్యాక్సినేషన్, కరోనా పరీక్షలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరింత పెంచిందని ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ తెలిపారు. నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. बातचीत हो गई है, पूरी तैयारी हो रही है और अब तो जो महाराष्ट्र से जो ट्रेन आ रहा है उसके लिए तो एक एक जगह पर हर लोगों का टेस्ट वहीं पर रेलवे स्टेशन पर ही उन लोगों के टेस्ट का इंतजाम किया गया ताकि टेस्ट हो जाए और जो पॉजिटिव रहेंगे उनको उचित जगह पर सेंटर पर भेजा जाएगा और बाकी जो लोग हैं उनको घर जाने के लिए जो भी सुविधा देनी है हम लोग वो करने का ये सिलसिला शुरू हो गया है. अब आज ही आपको डिटेल बताएंगे कि एक ही दिन जो टेस्ट किया तो एक ही ट्रेन से जो लोग आए थे तो उसमें 17 लोग निकल गए जिनको पॉजिटिव था. तो इसलिए इसको देखते हुए पूरे तौर पर ये हो गया है कि सब लोगों का जो आएंगे इस तरह से आते और खास करके महाराष्ट्र से तो उनका सबका पूरा का पूरा टेस्ट और जहां भी ट्रेन जिन जगहों पर लगभग 18 जगहों पर से होते हुए जाता है तो उन सभी जगहों पर जो लोग उतरेंगे उनका टेस्ट भी किया जाएगा